80 का वो दशक था जब बॉलीवुड के डांसर किंग गोविंदा पहली ही नज़र में गॉर्जियस नीलम कोठारी पर अपना दिल हार बैठे थे। दोनों की लव केमिस्ट्री फैंस को करीब डेढ़ दशकों तक देखने को मिली थी और इन डेढ़ दशकों में गोविंदा नीलम कोठारी के प्यार में भी पड़ गए थे। उस दौरान गोविंदा से ही अपनी मौजूदा पत्नी सुनीता आहूजा के साथ कमिटेड थे। दोनों ने इस वक्त मीडिया हेडलाइंस में बहुत जगह बनाई थी। 20 साल बाद अब दोनों फिर से ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं, जिसका वीडियो नीलम कोठारी के पति और एक्टर समीर सोनी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि गोविंदा और नीलम एक दूसरे के साथ 14 फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोनों ने आखिरी बार फिल्म कसम में काम किया था। इसके बाद नीलम ने बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया था और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में अपना करियर स्थापित किया था। जी हाँ, नीलम ने एक्टर समीर सोनी संग साल 2011 में शादी की थी। नीलम लंबे समय से फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बाद साल 2020 में नेटफ्लिक्स सीरीज़ फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स से कमबैक किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि दो दशकों के बाद फिर से फैंस की सुपरहिट जोड़ी गोविंदा और नीलम ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया है। दोनों जल्द ही रियलिटी शो सुपर डांसर 4 में स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचेंगे। 20 साल बाद के बाद दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को एक बार फिर से देखने को फैंस बेताब हैं। इस एपिसोड का ट्रेलर सामने आया है, जिसका वीडियो नीलम के पति समीर सोनी ने 31 मई को शेयर किया था। जी हाँ, इसके साथ ही समीर ने कैप्शन लिखा, और 20 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जी हाँ, तो आप कितने एक्साइटेड हैं नीलम कोठारी और गोविंदा को एक साथ देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।